पुरनिया अनपढ़ रहने पर मान सम्मान पे लड़त रहे और दो चार लोग रहे पढ़ल लिखल कई गांव के चिट्ठी पढ़त रहे। धीरे धीरे हर गाँव में कि धीरे धीरे हर गाँव में खम्भा पर तेली भून गल और पीसीओ से मनाई बतिया में तो खाना एकदम सूख गए। पढ़े लिखे वाले लड़कन के नयकी स्टाइल खाई गए और बेटा बाप मातारी घर में बिटियो मोबाइल पाई गए। अब घरे घरे घंटी बाजे गाना मोबाइल में गावत बा आ घर भर का परिवार लपट के 24 घंटा बतियावत बा। बेटवा कहे हेलो बाबूजी परदेश में अपना पड़ता है जितना कमाईला उसे ढेर हमरे मोबाइल में खर्चा है। आजकल के नयकी पीढ़ी हमहन का समझा गुरु हो गए और हर मोबाइल प्रेम कहानी शुरू हो गए। पढ़े लिखे से मतलब ना दिन भर मुश्किल में मारल है और मोबाइल में पैसा अपने घर डाले ने काम न कोनो धंधा भाई हमारा बन के घूमल है और हर वर्ष दोनों जनी मोबाइल में पकड़ के चूमल है तनकसल बात आतंकवाद के तुरंत मोबाइल खबर देत बा लूट छीनती और डकैती है मोबाइल से मर्डर होत बा। भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल के ख्याल करा और गलत मोबाइल अपन मत इस्तेमाल करा। जय हिंद जय भारत।